चीन में हाहाकार, चीन में पहले से और ज्यादा हाहाकारी हो गया है कोरोना। शंघाई से आई आज की सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपके सामने। सड़क पर अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर लोग चीन में स्मशान घाट, कई दिनों की वेटिंग में चल रहे कोरोना से हो रही मौतों का सबसे बड़ा सबूत, सड़क पर अंतिम संस्कार। सड़कों पर अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर चाइना के लोग। जीरो कोविड पॉलिसी और वैक्सीन में नेशनलिज्म, साइनोवैक और साइनोफॉर्म के अलावा इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनकी एफिकेसी नहीं है। वैक्सीन कवर भी सारे लोगों को नहीं हुआ, जीरो कोविड के तहत आइसोलेशन में रखा गया, नेचुरल इंफेक्शन भी उनको नहीं हुआ और अचानक फैसला किया गया कि अब हम अपने नियमों में ढील देंगे और लोगों को बाहर जाने देंगे। और उसके बाद क्या हुआ ये यहां देखिए जरा, अस्पताल फुल, शवगृह फुल, मॉर्चरी के अलावा ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्रेमेटोरियम फुल, अब इसकी वजह से लोगों को, क्योंकि वहां 600-700 वेटिंग चल रही है, लोगों ने सड़कों पर ही क्रियाकर्म करना शुरू कर दिया। यहां पर आप देखें जरा, यहां पर इन लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इन शवों के ऊपर मुस्कुरा रहा है चीन का क्रूर तानाशाह। अब अगली खबर आपके सामने, चीन में कोरोना से हो रही मौतों का एक और सबूत, शवदाह गृह में लगा लाशों का अंबार, 24 घंटे के अंदर पहुंचे सैकड़ों शव। लाशों का अंबार, शवदाह गृह में शवों की कतार, शवदाह गृह में, ये देखिए जरा क्रेमेटोरियम में किस तरीके की कतार लगी हुई है। ये जो आपको ताबूत दिखाई दे रहे हैं, ये जो बॉडी बैग्स दिखाई दे रहे हैं, ये हैं शवों की कतार, अंबार लगा हुआ है लाशों का। और आपको मजे की बात मैं ये भी बता दूं कि 2 दिनों तक कंसेक्यूटिव चाइना में कोई भी मौत कोविड से हुई रजिस्टर नहीं की गई है। अंबार देख लीजिए और साथ में यह भी जान लीजिए कि वहां 2 दिनों तक लगातार कोई भी मौत कोविड की वजह से हुआ होना रजिस्टर नहीं किया गया है। यह है चाइना। और अब अगली अहम खबर देखिए, चीन के हेल्थ सेक्टर में कोरोना से भूचाल, तेजी से बीमार पड़ रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेस। डॉक्टर्स के लिए अस्पताल में नहीं है इंतजाम, बीमार डॉक्टर्स कर रहे हैं मरीजों का इलाज। डॉक्टर्स की कमी हुई तो हालात और बदतर होंगे। राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेस और इसकी वजह से न सिर्फ फटीग सेट इन कर रही है बल्कि वो कोरोना संक्रमण की भी चपेट में आ रहे हैं। उनमें से कई बीमार पड़ रहे हैं और उन डॉक्टर्स और नर्सेस के यूं बीमार होते जाने की वजह से पहले से ही चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और बुरे हालात में पहुंच रही है। ये तीनों अहम खबरें आपके सामने, चीन में पहले से और ज्यादा हाहाकारी कोरोना, उसका सबूत ये शवदाह गृह में लगा हुआ लाशों का अंबार, उसके बावजूद चाइना ने 2 दिनों तक लगातार कोई भी मौत कोविड से हुई अपने रजिस्टर में नहीं दिखाया है। और अगली खबर देखिए, डॉक्टर्स और नर्सेस बीमार होने लगे हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, इनके बीमार हो जाने की वजह से हालात और आगे क्या होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगली खबरों की तरफ आपको लिए चलता हूं, चीन में कोरोना केसेस ने पूरी दुनिया के आज तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार अकेले एक दिन में चीन में आए 37 मिलियन केसेस, मतलब 3 करोड़ से ज्यादा केस, जनवरी 2022 के बाद अब तक का सबसे बड़ा डेली केस का रिकॉर्ड ब्रेक। आपको हम ये बता दें कि जनवरी 2022 में एक ही दिन में वर्ल्ड ओवर 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस, 40 लाख से ज्यादा माफ कीजिए, कोरोना के केसेस देखने को मिले थे, 4 मिलियन मतलब 40 लाख एक दिन में, वो एक दिन में कोरोना मरीजों के सामने आने का सबसे बड़ा आंकड़ा था 24 घंटे के भीतर। और अब जो उसको तोड़ा है वो चाइना ने अकेले ने तोड़ दिया है। पहले तो जो आया था वो आंकड़ा वर्ल्ड ओवर था, ये जो 37 मिलियन केसेस सामने आए हैं, मतलब 3 करोड़ से ज्यादा केसेस, उन केसेस ने एक दिन में सामने आने वाले कोरोना केसेस का रिकॉर्ड बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ा है और अकेले चाइना ने तोड़ दिया है। वर्ल्ड ओवर सामने आने वाले केसेस का रिकॉर्ड अकेले चाइना ने तोड़ा और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। अगली अहम खबर देखिए, चीन में जल्दी आ सकता है कोरोना का पीक, सेंटर फॉर इंफेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर का दावा, सिर्फ जनवरी में एक दिन में आ सकते हैं 40 लाख कोरोना केसेस एक दिन में। और ये कहा जा रहा है कि कोरोना पीक बहुत जल्द देखने को मिलेगा, कोरोना पीक जल्द देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या, बहुत जल्द ये लहर
नीचे भी बैठ जाएगी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।